हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू की गई नशा मुक्त हरियाणा साइक्लोथॉन साइकिल यात्रा रविवार को यमुनानगर पहुंचे। यात्रा का यमुनानगर पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। सीएम मनोहर लाल सोमवार को करनाल में यात्रा का समापन करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने पीएम मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर विवादित बयान दिया। कांग्रेस नेता के बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लव देव ने कहा कि कांग्रेस का असली चरित्र यही है। वहीं मंत्री कंवर पाल गुर्जर और सांसद संजय भाटिया ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की ओर से प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी पर रोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष इस टिप्पणी को वापस लें और माफी मांगे। रामविलास शर्मा ने कहा कि उदय भान ने बड़ा ही अशोभनीय बयान दिया। करनाल के घरौड़ा विधानसभा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, सांसद संजय भाटिया समेत कई नेता पहुंचे। मंच से जहां पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने की रणनीति बताई गई, वहीं ये भी दावा किया गया कि लोकसभा में 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे की बेटी रमता जिंदल ने चीन में चल रहे एशियन चैंपियनशिप में टीम और व्यक्ति एयर राइफल इवेंट में सिल्वर और कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया है, जिसको लेकर कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने रमिता जिंदल को शुभकामनाएं दी। हरियाणा के आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। सुशील गुप्ता ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हरियाणा अपराध की राजधानी बन चुका है। प्रदेश में व्यापारियों में डर का माहौल है, अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर नेहरू युवा संगठन केंद्र के सौजन्य से मेरी माटी मेरा देश विशेष कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम के साथ पूरे देश भर में मनाया गया। इस मौके पर गांव के युवाओं ने शहीद पंडित जय भगवान शर्मा की मूर्ति पर फूल माला अर्पित कर शहीदों की कुर्बानियों को याद किया और कर्तव्य पथ के लिए मिट्टी एकत्रित की। तो शाम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद और कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रुति चौधरी ने तोशाम में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान श्रुति चौधरी ने कई गांव का दौरा किया और लोगों की समस्याओं को सुना। सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 के बेगान टोल प्लाजा पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बेगान टोल प्लाजा पर मुरथल गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर टोल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन ग्रामीणों की मांग है कि पहले की तरह मुरथल गांव के वाहनों को टोल फ्री किया जाए। हरियाणा में धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होनी है। मंडी प्रशासन ने इसके लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसानों को सुविधा देने के लिए मंडी प्रशासन की ओर से अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं। हालांकि 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होनी है, लेकिन पहले से ही मंडी में धान की फसल भारी मात्रा में पहुंच रही। सिरसा के डींग गांव के पास तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है।
फरीदाबाद की एक नंबर मार्केट की कई दुकानों में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। हालांकि हादसे के पीछे कारण क्या रहे जब तक पता नहीं चल पाया।